अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़ैनब और आज मैं आई हुई हूँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जो कि फर्टिलिटी के बारे में है, यानी कि बांझपन से मुतालिक। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, नया सीखा। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ यस का मैसेज कर दें अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो मैं बता रही थी कि आज मैं एक कॉन्फ्रेंस पे आई हुई थी जो कि बांझपन के मसाइल से मुतालिक थी, जिसमें मैंने सीखा कि मर्दाना बांझपन की क्या वजूहत होती हैं और कैसे ट्रीट किया जाता है, और इसके अलावा फ़ीमेल में जो प्रॉब्लम्स काज करते हैं बांझपन के मसाइल, बच्चे ना होना, उसकी वजूहत और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन को डिस्कस किया गया। अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ यस का मैसेज कर दीजिए। आपके कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़ैनब, आपकी अपनी डॉक्टर। आज मैं आई हुई हूँ कराची में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जो कि है बांझपन से मुतालिक, यानी कि फर्टिलिटी के मसाइल से मुतालिक। तो बहुत अच्छी रही ये कॉन्फ्रेंस, सुबह शाम तक लेक्चर्स से बहुत ही सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उनके, तो हमने खूब डिस्कशन की और खूब सीखा, नई नई चीज़ें लर्न की, और बहुत ही अच्छी लर्निंग एक्टिविटी थी जिससे न सिर्फ पेशेंट्स को फ़ायदा होगा बल्कि उनकी बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हो सकेगी। तो अभी मैं वेटिंग एरिया में बैठी हूँ, बस वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से हेलो हाय कर लूँ, क्योंकि हो सकता है आज लाइव रात में मैं ना आ सकूँ ड्यू टू दिस एक्टिविटी। तो अभी थोड़ी सी बात कर ली जाए, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन आपका भी ले लिया जाए। आज बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन नटशेल यही था कि हमें जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, नेचर की तरफ आना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हों और बांझपन के मसाइल ना हों, तो उसके लिए मेल और फीमेल, मर्द और औरत दोनों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जी, तो मैं इस टाइम कराची में हूँ, एक कॉन्फ्रेंस पे आई हुई हूँ, मैं बता रही थी, जो कि फर्टिलिटी से मुतालिक है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में डॉक्टर शाहिना जफर जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई, और पाकिस्तान भर से डॉक्टर्स, लीड डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट आई हुई थी, और बहुत अच्छी लर्निंग एक्टिविटी रही, हमने बहुत कुछ सीखा, नई नई चीज़ें, नए नए ट्रीटमेंट ऑप्शन सीखे, ख़वातीन में जो वक्त से पहले पीरियड्स बंद हो जाते हैं या पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, उनके लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन सीखे, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला इस कॉन्फ्रेंस में हमें, और बहुत से सीनियर डॉक्टर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो कि बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत अच्छा लगा। बाकी यहाँ सर्दी ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल सा मौसम है, लेकिन फिर भी मैंने जो है एहतियातन एक्सरसाइज किया करें, एक्सरसाइज का मतलब है उठ के कुछ ना कुछ करना, बैठे ना रहना, मतलब आप रस्सा कूद सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, सबसे अच्छी एक्सरसाइज साइकिल चलाना है, और इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, ये भी एक एक्सरसाइज है, और बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियोस मिल जाएंगी। मोटापा जो है वो एक बीमारी है, इस पर आज बहुत डिबेट हुई है इस बात पे, पहला लेक्चर इसी टॉपिक पे था कि ओबेसिटी जो है वो मेन काज बनकर सामने आ रही है इनफर्टिलिटी की, तो मोटापा एक बीमारी है, प्लीज़ इससे बचिए और अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। जी, PCOS पे भी डिस्कशन हुई बहुत ज़्यादा हमारी, और PCOS का इलाज ही मैं आपको बता रही हूँ कि PCOS के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब क्या है कि आपका सोना, खाना पीना नेचर के मुताबिक हो, नेचुरल हो, अननेचुरल ना हो। यहाँ कराची में मैंने देखा है लोगों की आम रूटीन है रात 2-3 बजे तक जागना, और इसको बहुत नॉर्मल समझते हैं रात को 2 बजे तक जागना, तो ये नॉर्मल नहीं है, अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए। PCOS का मसला आपका मैं यही बता रही हूँ कि रात को टाइम पे सोना, सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना, यही इसका हल है।
थैंक यू सो मच दावा देने का शुक्रिया, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था। सुबह से शाम तक हमारी जो कॉन्फ्रेंस जारी रही और अब वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है, जस्ट चंद मिनट ही रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से लाइव बात कर लूँ। आप सबकी बहुत शुक्रिया कि आप सब मुझे सुनते हैं, मेरी बातों को अमल करते हैं और जो टिप्स मैं बताती हूँ सेहत से मुतालिक उन पर अमल करते हैं। और आज रात को 9 बजे शायद मैं लाइव ना आ सकूँ, इसलिए मैंने अभी लाइव लिया है आप सबको अपने साथ। तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। सर्जिकल का स्कोप बता दें, सर्जिकल मतलब सर्जरी में अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसका स्कोप अच्छा है। वेट कैसे कम करें? वेट कम करने के लिए एक ही इलाज है कि आप जो है माइंडफुल ईटिंग करें। माइंडफुल ईटिंग कहते हैं सोच समझ कर खाना कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। क्लोमिड टैबलेट बहुत ज़्यादा लेने से आप उसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको डिले करना चाहिए। मोर देन 12 साइकिल नहीं लेनी चाहिए और एक महीना अगर ले लिया तो एक महीना रेस्ट देनी चाहिए। आज मैं आई हुई हूँ कराची और अभी मेरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है जो कि यहाँ पे थी, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की तरफ से फर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस थी, आज मैं वो अटेंड करने आई हूँ। अब मैं जो हूँ फारिग हुई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से चिट चैट कर लूँ। अब मेरी वापसी की तैयारी है तो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुझे दे इजाज़त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।